त्योहार देना हो तो मान लीजिए 1,000, 2,000, 500, 2,000, 5,000, 10,000, 1,00,000 तक दे देगा कोई, कोई 1,000 करोड़ रुपए चंदा देगा? आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए, क्या 1,000 करोड़ रुपए का कोई चंदा देगा? इन्होंने 1,000 करोड़ का चंदा लिया, किसी से 1,000 करोड़, किसी से 600 करोड़, किसी से 500 करोड़, और जो 1,000 और 600, 500 करोड़ दे देगा, बताओ मुनाफा कमाएगा कि नहीं कमाएगा? मुनाफा, और उसी की वजह से भ्रष्टाचार है, उसी की वजह से महंगाई है। इन्होंने गरीब को नहीं दिया, खुद अपने कब्जा कर लिया। जितने भी अपराधी हैं, जितने भी अपराधी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, सबको भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी गोदाम में रख लिया है। इन्होंने गोदाम बनवाई है भारतीय जनता पार्टी के नाम से, उसी में रख लिया सबको। बताओ सब है भ्रष्टाचारी उनके साथ के नहीं है? चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कहीं हो, और लोगों को डरा रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव बहुत अलग चुनाव है, संविधान बचाने का है। अभी एक साथी हमारा कह रहा था कि सबसे ज्यादा इनके ऊपर अन्याय उत्पीड़न है, ये वही लोग हैं, ये बीजेपी के लोग वो हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म करना चाहते हैं, किसी को न्याय नहीं देना चाहते। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, लिख करके देना, हम आपकी मदद करेंगे। और किसान भाइयों से हम कहना चाहते हैं कि हमारी मदद करिए, इस चुनाव में हमें मदद करिए। और जो सांसद चुन गए थे, जो सांसद चुन गए थे, हमारे साथ है अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, अरे जो सांसद चुन गए थे, बताओ कौन सा काम कर दिया उन्होंने? बड़ा कौन सा काम कर दिया उन्होंने? हमारे हर वर्ग के लोगों के साथ धोखा किया उन्होंने। और ये जो नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, वो जानते होंगे कि ये हमारे आपके अधिकारों को छीन रहे बीजेपी के लोग, हमारे आपके लोगों का साथ लेकर के, हमारे आपके लोग ही साथ चले गए कुछ, उनकी वजह से ये लोग छीन रहे सब हमारे आपके अधिकार है। ये संविधान और अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं, बदलने का काम कर रहे हैं। इसलिए चुनाव में आप देश को बचाने का काम करना, ये देश को बचाने का, संविधान को बचाने का, किसान को बचाने का और नौजवानों को बचाने का चुनाव है। हमें उम्मीद है कि कन्नौज के लोग इस बार इतिहास बनाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करोगे? ये तो 5 साल में कुछ बन ही नहीं पाए, अब तो नई सरकार बनेगी, और नई सरकार बनेगी तो हम लोग भी काम करने का मौका मिलेगा हम लोगों को। इसीलिए चुनाव के मैदान में आ गए हम लोग भी, इसलिए मदद करना विकास के लिए और खुशहाली के लिए आज जरूर आए हैं, लेकिन जो लगाव हमारा सारस से है उसकी वजह से भी दोबारा आना पड़ेगा हमें। इसलिए मदद करना सब लोग, शायद इतने सारस तो कहीं नहीं दिखाई देंगे। अच्छा कितने लोग जानते हैं सारस किसका, उत्तर प्रदेश का क्या है चिड़िया, ये बताओ है? राजपक्षी है ये, पता है? तब ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। अगर हमें कोई विशेष योजना इस क्षेत्र के विकास के लिए जिससे नौकरी रोजगार और किसानों को लाभ मिले, अगर उस योजना के लिए हमें कोई विशेष काम भी करना पड़ेगा, तो जब इतनी बड़ी हवाई पट्टी बना दी है, थोड़ी बहुत जगह दिला करके जिससे हमारे किसानों की चीजों को लाभ मिल जाए, जब बाबा रामदेव आटा बेच रहे हैं या वो बिस्किट बना करके बेच रहे हैं, ये कानपुर वाले जानते होंगे, कानपुर में सबसे ज्यादा बिस्किट बनता है, ये पता है? ये जो महंगाई के बारे में हम बताते थे आपको कि पार्ले जी के बिस्किट से सीखी इन्होंने महंगाई, ये जो महंगाई है वो मुनाफा कमाने का तरीका इन्होंने पार्ले जी का देखा है। ये जो हमारे बुजुर्ग होंगे, जो पुराने लोग होंगे, वो जानते होंगे पार्ले जी का बिस्किट इतना बड़ा आता था, याद है? 1 रुपए का कितने का आता था, और आज 1 रुपए में कितना पैकेट आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बीजेपी वाले आ गए तो एक ही बिस्किट का पैकेट आएगा, याद रखना। अभी कितने, 4 बिस्किट का पैकेट है, तो सोचो 4 का कर दिया। अब बोरी में से कितनी चोरी हुई बताओ, बोरी में से है?
हमें और आपको ना समझ सकते बीजेपी वाले, ना समझ तो नहीं हो, इस बार इनके खिलाफ वोट डालो पहले तो।